हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और टेस्टी हेल्दी नाश्ते की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। तो आप भी रोज़ पूरी या पराठा से बोर हो गए हो तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एक कटोरी चावल से ये रेसिपी बनकर फटाफट तैयार हो जाएगा। बच्चों को लंच हो या घर में ऐसे नाश्ते में बनाकर देना हो, आप इस रेसिपी को बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी चावल ले लिए हैं, 2-3 घंटे फूलने के लिए छोड़ दिए थे, उसी को धोकर साफ करके ले लिए हैं अच्छी तरह से, और उसको मिक्सर जार में पीस लिए हैं। बारीक पीस कर तैयार करना है। और इधर एक पैन ले लिए हैं, पैन पहले ही गैस पर रख दिए थे, और उस पर 1 चम्मच तेल ले लिए हैं। पैन मेरा गर्म हो गया है, अब उसमें जो बैटर पीस कर रखे थे उस पैन में डाल देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, और हल्का सा अजवाइन, हल्का सा जीरा और हल्का सा नमक स्वादानुसार डालकर बराबर इसे चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट बाद डो फॉर्म में आ जाएगा बराबर चलाते हुए। इसी तरह से चलाते हुए बराबर हम इसको तैयार कर लेंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी है ये, और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाला रेसिपी है। आप बच्चों को लंच में या घर पे भी ऐसे भी बनाकर दे सकते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट पे बताइएगा कि नाश्ता मेरा कैसा बना। और आप भी एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इसी तरह से बनाकर। अब देख रहे हैं डो मेरा तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको बाउल में निकाल कर रख लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हाथों पे हल्का सा तेल लगा के इसे मसल मसल कर आटे की तरह गूंद कर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से गूंद कर तैयार कर लेंगे, हाथों में ना चिपके इसीलिए हाथों में तेल लगा लीजिएगा। और एक रोटी के साइज का डो हम लेंगे और उसे गोला करके और अच्छी तरह से हल्का सा बर्तन को स्टफ करेंगे और बेल लेंगे अच्छी तरह से। बेलेंगे साइज रोटी जैसा ही रखेंगे पतला, और उसे एक कटोरी से गोला शेप देते हुए कट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। नाश्ते में अच्छी लुक देने के लिए हम इसे कटोरी से कट कर रहे हैं। आप घर में बना रहे हो तो ऐसे भी बना सकते हैं, और इसे तवा पर डालकर सेक लेंगे। तवा पर सेकने टाइम भी गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे। बराबर इसे उलट पलट कर सेक लेंगे और इसे दबा दबा कर तेल लगा कर हल्का हल्का दबा देंगे तो रोटी अच्छी तरह से फूल जाएगा। सारे नाश्ते को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे।
दबा दबा कर रोटी को सेक लेंगे। हल्का हाथों से दबा कर तो आज की रेसिपी चावल वाली ज़रा भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिख दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और चैनल पे नए हो तो डिफरेंट रेसिपी के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए दिन नई रेसिपी के साथ। आप देख रहे हैं नाश्ते में मेरा कितना अच्छा कलर आया है। और सारे नाश्ते को इसी तरह से सेक कर तैयार कर लिए हैं। धन्यवाद। वॉच माय वीडियो। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।